हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है ना। तो देखिए, पहले ही है थ्योरम टू कुछ भी नहीं, आप लोगों का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला को अच्छे से लिखने के लिए या फिर प्रूफ करने के लिए यहाँ पर थियोरियम दिया गया है। देखिए, ऐसे ही फॉर्मूला हम पढ़े थे कि डी डी एक्स ऑफ सी एफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब कॉन्स्टेंट जो फंक्शन है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, है ना, और डेरिवेबल फंक्शन का हो जाएगा। इफ एफ इज डिफरेंशियबल फंक्शन एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन सी ऑफ एफ इज डेरिवेबल एंड डी डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो MT 1 का 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर है या फिर BMTC 131 का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि इस बार भी नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रूफ है इसे अवॉइड कीजिए। तो थ्योरम 1 थ्योरम 2 का प्रूफ, इग्नू का एग्जाम का पैटर्न ही ये है कि कोई थ्योरियम का प्रूफ प्रूफ नहीं चाहते हैं ये कभी। उस थ्योरियम से रिलेटेड जितने सारे मैथ होते हैं, इसीलिए तो MT 4 सॉरी MT 6, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का बैक आ जाता है, एक बार में सभी क्लियर ही नहीं कर पाते हैं इस वजह से, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटीज में, मतलब हम इग्नू में पढ़ते हैं इसीलिए कि किसी को जॉब जॉब हो जाता है और किसी को मतलब बैक आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर जिनको जॉब लग गया तो वो उनको फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के पढ़ने के वक्त जॉब लगा है, या फिर जो फेल हुए हैं वो सेम, मतलब एक बार रेगुलर कॉलेज में गए हैं। और रेगुलर कॉलेज में क्या होता है कि थ्योरम आ जाते हैं, थ्योरम का प्रूफ हमें पढ़ना होता है ना। थ्योरम का प्रूफ सभी जो जो आप लोगों को बुक में दिया होता है, सभी आप लोगों को रट्टा मारना होता है, मैंने खुद मारा है। और उसके बाद मैंने जब इग्नू का एग्जाम दिया तो उसके मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद ठीक से समझकर और पढ़कर जब मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद मैं पास हुई। तो इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि थियोरम से कभी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उसके बाद देखिए, लेट एफ मैप्स आर टू आर बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन एंड लेट सी बिलोंग्स टू आर, देन कंसीडर द फंक्शन वाई इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है ना। वो तो पहले हमने देखे हैं, फंक्शन सी एफ होना चाहिए और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, एंड हमें वाई के रेस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो लिमिट एच टू जीरो सी एफ एच प्लस एक्स प्लस एच सी इंटू एफ, तो सी इंटू एफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी कॉमन आ जाएगा लिमिट के, तो लिमिट के बाहर आ जाएगा सी, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर सी इधर बाहर ले आएंगे और फिर इसमें लिमिट लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला किसका है, एफ डैश एक्स का, तो इसीलिए सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, बहुत सिंपल सा एक मतलब प्रूफ था। उसके बाद एग्जाम्पल 14, फाइंड डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स बहुत ही ईजी है, -2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 2x 1 9। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर कैलकुलेट करना चाहे। देखिए, 15 15 बाई 2 किया है, मतलब 2 से यहाँ पर कट कर दिया, तो 15 बाई 2 और -2x, तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ½ × x^-2 है, और यहाँ पर 2x x² का माइनस सॉरी 2x का -2 नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके से नहीं, तो यही याद रखना है, नहीं तो अगर आप भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ½ × x² मतलब -2 इधर आ जाएगा, -2 + 1, तो -1, दिस इज इक्वल्स टू -2, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, -1/x, 1/x² माइनस, वो -1 होता है ना, -3, 1/x² -3, -1/x² -3, मतलब -1/x² -3।
तो उसके बाद देखिए द कॉमन मिस्टेक्स वी राइट। हाँ ये जो मैंने बोला कि 1/2x को हमने 2x पावर -2 लिख लेते हैं, तो 2x पावर -2 नहीं लिखना है, ½ x पावर -2 लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 के पावर में -2 नहीं है यहाँ पर। एग्जाम्पल 15, द वॉल्यूम वॉल्यूम वी ऑफ ए स्फेरिकल ट्यूमर कैन बी approximated by v of r equals to 4/3 π r³, where r is the radius of the tumor in centimeter. Find the rate of change निकालने का फॉर्मूला क्या है, यह तो आपको पता ही है, यहाँ पर फॉर्मूला में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डेरिवेटिव करना सीख लिया है। अभी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे और उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम, r के वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सिंपली हम डेरिवेटिव कर देंगे dr of v, ठीक है ना, आर के रेस्पेक्ट में भी का डेरिवेटिव निकालना है, dr of 4 π r³, तो आर क्यूब का डेरिवेटिव 4 π, इधर 4 π 4/3 π आ जाएगा, और आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 r², तो सभी को यहाँ पर देखिए 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 4 π r² है ना। तो यहाँ पर आर की जगह पर 1.5 पुट कर देना है, अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 28 cm², ठीक है ना, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर तो क्या हो जाता है, 2.25, और पाई की वैल्यू 3.14, उसे कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ गया। तो आप लोग कैलकुलेटर यूज करके देख लीजिएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा। E16 क्या है, फॉलो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग थ्योरम टू। थ्योरम टू क्या था, एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ सी बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, है ना, तो अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। सी बाहर आ जाएगा, कौन सा सी है, 5/3, 5/3 बाहर आ जाएगा, 5/3 × हाँ लिखा कहाँ, हाँ 5/3 × यहाँ पर 3x² ये आ जाएगा। उसके बाद 8 × √x, तो नंबर 2, 8 × √x का x² है ना, तो 8 × ½ × x² -½, तो 4 4 × 1/x², ठीक है ना, तो यह नंबर 2। नंबर 3 क्या है, √2 × mod x, तो यहाँ पर तो 3 वैल्यू आ जाएगा। मॉड एक्स की, एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तभी dy/dx = क्या आ जाएगा, √2 × 1, मतलब √2, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो dy/dx = -√2, और अगर x = 0 है तो dy/dx not exist। ये तो लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो देखिए कैसे, ये तो मॉड एक्स का हमने निकाल लिए हैं, पहले ही हम देख लिए हैं कि मॉड एक्स x = 0 में, मतलब 0 में ये डेरिवेबल नहीं होता है ना। उसके बाद देखिए E17, डिफरेंशिएट y = 7 mod x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y की वैल्यू क्या है ये देख लेते हैं, कौन सा था ये E17, y = 7 mod x, तो x की वैल्यू बार बार हम चेक करेंगे, लिमिट से तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर लिख देंगे, है ना। व्हेन x > 0 देन dy/dx क्या आ जाएगा, 7 × 1, x की वैल्यू तब क्या है, x है ना, तब 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 7। व्हेन x < 0 देन dy/dx, x की वैल्यू -x आ जाएगा, 7 × -1, दिस इज -7, और व्हेन x = 0 देन dy/dx डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करके लिख देना, हो जाएगा। उसके बाद देखिए थ्योरम 3, द सम रूल, ठीक है ना, तो सम रूल बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए f(x) + g(x) और दोनों फंक्शन का प्लस दिया हो जाएगा, दिया होगा, तो दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो f(x) + g(x) आ जाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे, तो d/dx(f(x) + g(x) फॉर्मूला पुट कर देंगे, मतलब f(x) + h + g(x) - f(x) + g(x), तो f(x) + h और -f(x), है ना, और g(x) + h - g(x), तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा, तो नो dx(f(x) - dx(g(x) + तो f(x) + g(x), ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर बहुत सारा, मतलब यहाँ पर तो हमने 2 फंक्शन लिए, तो उसके बाद अगर फंक्शन f1 f2 f3 fn करके अगर कोई फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx(f1) dx(f2), मतलब सभी प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। Remark 3, फ्रॉम द थ्योरम 2 एंड 3 इट फॉलो दैट f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, f - g आल्सो डिफरेंशिएबल, और माइनस का डिफरेंशिएबल सन क्या आ जाएगा, f(x) - g(x),
और सेम एज प्लस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एग्जांपल 16, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 6x पावर 5 है ना, 6x पावर 5 प्लस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 30, 6 × 5 30x पावर 4 माइनस 12x पावर 2 प्लस 4x पावर 1, 4x कर देंगे एंड 0, प्लस 0 करेंगे तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद देखिए ये तो 12x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस रूट एक्स, रूट एक्स क्या आ जाएगा x पावर हाफ, तो हाफ इंटू x पावर माइनस हाफ एंड प्लस x पावर माइनस 1 है ना, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 × 5, 5 × x पावर क्या आ जाएगा -2, तो दिस इज इक्वल्स टू 12 माइनस 1/2 √x माइनस 5/x2, ये आ जाएगा। तो देखिए सेम आया है या नहीं, एकदम इजी है, इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं सभी, है ना। तो ये दोनों माइनस आ गया था, देखिए सही है आंसर। उसके बाद देखिए E18, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 5x³ - 2x+6, तो 5x³ यहाँ पर 3 इधर आ जाएगा, तो 15x² - 2, बस 2x की वैल्यू तो 1 और 6 की जो डिफरेंशिएशन है वो तो 0 है, और a₀+a₁x+a₂x² + an x पावर n, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत इजी है, हम उस तरीके से ही कर देंगे, है ना। तो अभी देखिए E18 और नंबर 2, E18 नंबर 2 क्या है, a₀ f(x), मान लेते हैं f(x) = a₀+a₁x+a₂x² या फिर y मान लेते हैं, है ना, तो dy/dx आ जाएगा प्लस ऐसे करके an x पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो a₀ के है कांस्टेंट तो ये 0 आ जाएगा, और a₁ × x, x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, तो a₁+2 × a₂x+... n × x पावर n की डेरिवेटिव क्या है, n × x पावर n-1, तो n × an × x पावर n-1, ठीक है ना, आ गया। देखिए बहुत ही इजी है ना, जिस तरीके से हमने पिछली वाले डेरिवेटिव की है, यह सेम है, यह सेम है। उसके बाद देखिए 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व y = x²-8x² + 4, व्हेयर द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगा कहाँ पर, जहाँ पर dy/dx = 0 हो जाएगा, है ना, तो dy/dx निकालेंगे, उसके बाद इसे 0 से इक्वल दिखा देंगे, तो जो भी पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा इसका, वहां पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर कार्व की वैल्यू, कार्व क्या दिया हुआ है यहाँ पर, y = x²-8x² + 4, तो dy/dx = 4 इधर आ जाएगा, x³ - 16, 8 × 2 × x, और ये तो 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या हमारा 0, तो द टेंजेंट इज हॉराइजॉन्टल व्हेन, जहां पर dy/dx = 0, दैट इम्प्लाइज 4x³ - 16x = 0, इम्प्लाइज 4x कॉमन ले लेंगे, तो x²-4 = 0, और 4x × x+2 × x-2 = 0, इम्प्लाइज दैट इफ 4 = 0 और 4x = 0 और x+2 = 0 और x-2 = 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 वैल्यू मिलेगा, वैल्यू कितना कितना आ जाएगा, x = 0 और x = -2 और x = 2, 3 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट x की वैल्यू निकल गया, अभी हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y = क्या है, x²-8x² + 4 व्हेन y = 0,
देन एक्स इक्वल सॉरी वन एक्स इक्वल्स टू जीरो है ना, देन वाई की वैल्यू, पॉइंट निकालना है तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू हम तो यहाँ पर निकाल लिए कि एक्स की वैल्यू 3 वैल्यू आ रहा है, तो उस एक्स की वैल्यू में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 का पावर 4 माइनस ये भी 0 तो 4 आ जाएगा है ना। व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2 देन वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पावर 4 माइनस 8 × 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 16 माइनस 32 प्लस 4 -12। व्हेन एक्स इक्वल्स टू -2 देन वाई इक्वल्स टू सेम आ जाएगा है ना, 4 है स्क्वायर है, तो -2 का पावर 4 माइनस 8 − 2 का स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 16 − 32 प्लस 4 -12। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, द पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर, 0 और 4 एंड 2 − 12 एंड −2 − 12, ये सारे पॉइंट में टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। उसके बाद थ्योरियम 4, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट रूल, द प्रोडक्ट ऑफ द टू द डिफरेंशियबल फंक्शन इज अगेन अगेन इज डिफरेंशियबल फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट एक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये आप लोगों को याद रखना है फॉर्मूला, मतलब कैसे प्रूफ हुआ ये देख लीजिएगा। देखिए इसका वैल्यू जो है, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ऐसे करके हमने लिख लिया, उसके बाद सेम तरीके से ये माइनस और इंटू कर देंगे जी ऑफ माइनस, तो सेम सेम वैल्यू आ जाएगा ना, एफ ऑफ मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस है, इससे हम एड एंड सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो उसके बाद यहाँ से इसके साथ ये माइनस का लेंगे, माइनस का लेंगे हाँ माइनस का लेंगे, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और इसके साथ प्लस कॉमन ले लेंगे तो प्लस का लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स सॉरी प्लस प्लस का लेंगे, प्लस का एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस का एफ ऑफ एक्स। तो उसके बाद देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए दोनों कर लिया कि ये जो है यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है और ये जो है डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है ना। तो उसके बाद जी ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पर एच इक्वल्स टू 0 पुट कर दिए हैं, तो ये जी ऑफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो इसीलिए एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स एंड प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो हमने ये पढ़ा था ना कि 11th या फिर 12th में डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ यू सॉरी यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी, ऐसे करके यू पहले लिख सकते थे वी बाद में, तो उसके बाद प्लस वी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू, इस तरीके से हम लिखते थे है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स में है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए कॉन्क्लूजन, अनलाइक द सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट रूल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स विच इज नॉट इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का सॉरी जी ऑफ एक्स का डी डी एक्स करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स होता था, पर यहाँ पर नहीं होगा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका इक्वल नहीं होगा, जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल नहीं होगा, उसका उसके लिए फॉर्मूला अलग है। तो एग्जांपल 17, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4, तो एक्स का स्क्वायर इसको हम कांस्टेंट रखेंगे और इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड प्लस प्लस जो फॉर्मूला का प्लस है, एक्स प्लस 4 को कांस्टेंट रखना है और एक्स का डेरिवेटिव करना है तो 2x है। बहुत ही इजी है, इतना इजी मैथ आप लोगों ने शायद पहले नहीं किया, मतलब 11th में किए थे, अगर अभी शायद भूल गए हैं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x दिस इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 8x है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, ये तो थोड़ा सा मतलब
यहाँ पर नहीं होगा, हम बोर्ड में कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस नाइन एग्जाम्पल 17 नंबर 2। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन एंड थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स। तो यहाँ पर पहले हम एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड को कांस्टेंट रख के फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो इससे पहले कांस्टेंट रख लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन कॉन्स्टेंट है। अभी इसका डेरिवेटिव करना है, डी डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, तो सिक्स यहाँ पर एक्स एंड माइनस रूट एक्स मतलब एक्स पावर हाफ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स के पावर में माइनस हाफ, ठीक है ना। तो अभी इस प्लस देंगे और इसे कांस्टेंट रख देंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस टू, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन इंटू सिक्स एक्स माइनस वन बाई टू रूट एक्स एंड प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू टू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। देख लेते हैं यही आंसर आया है या नहीं। देखिए आंसर तो सेम ही है ना, 9x² 6x 9x² 3x का क्यूब है शायद। मैंने 3x का सॉरी मैंने 3x का स्क्वायर लिया है ना, 3x का क्यूब था यहाँ पर, तो इसीलिए हमारा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ निकला है, तो मैंने फिर से स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए 9x का स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखिए एकदम सेम है आंसर, है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन, तो ये 9 नहीं है 7 है। नाइन है पर देखिए यहाँ पर 7 लिख दिया है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना। तो 9 है तो 9 देकर ही कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्वेश्चन में आप लोगों का कुछ भी मतलब ऐसा दिया हुआ कि ये आंसर इसका ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है ना, तो उसका आंसर कुछ भी आप लिख कर आ जाइए। मतलब ऐसा शायद यहाँ पर रूल है कि रॉन्ग क्वेश्चन पर मार्क्स मिल जाए पूरा। तो रिमार्क 4 देखिए, यू कुड ऑल्सो हैव डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर विदाउट यूजिंग थ्योरियम 4। तो थ्योरम 4 को यूज ना करके भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे इसका, है ना। तो एफ ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, तो थ्योरम 2 नहीं नहीं आ जाएगा यहाँ पर, सी इन टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी थ्योरम 2 क्या था यहाँ पर, एक मिनट, थ्योरम 2 हाँ सी इन टू एफ ऑफ एक्स था, तो उस फॉर्मूला को छोड़ के हम इस फॉर्मूला से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा, थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर फोर एक्स का स्क्वायर मतलब 8 x आ गया। देखिए आप लोगों को मिडिल का स्टेप नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 18 डिफरेंशिएट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ टी रूट टी इंटू टू प्लस थ्री टी, तो टी ग्रेटर देन जीरो विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी 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 टी ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, रूट टी इंटू टू प्लस थ्री टी, तो रूट टी पहले कॉन्स्टेंट रख लेंगे, इसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, तो टू रूट टी एंड प्लस यहाँ पर देखिए टू टी के पावर हाफ है एंड टी है टी के पावर वन, तो टी के पावर हाफ प्लस वन क्या आ जाएगा, टी के पावर 3/2, तो वही यहाँ पर लिख लिए हैं, है ना, इसमें कॉन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद थ्री टू रूट टी का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू इंटू रूट टी मतलब टी के पावर में हाफ, तो टू इंटू हाफ इंटू टी के पावर में माइनस हाफ, तो इसे कट कर देंगे। देखिए टू टू यहाँ पर कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2/2 लिख लिए हैं और टी के जगह पर यहाँ पर रूट टी मतलब टी के पावर हाफ के जगह पर रूट टी और माइनस हाफ था, तो इसलिए नीचे रूट टी, है ना। और उसके बाद देखिए थ्री इंटू टी के पावर थ्री बाई टू, तो थ्री इंटू टी के पावर 3/2 क्या है, यहाँ पर 3/2
आ जाएगा, और टी के बाद 3/2 - 1 तो मतलब हाफ है ना, तो इसीलिए 3/2, 3 × 3 2, तो इसीलिए 3/3 मतलब देखिए 3/2 तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा और हाफ, थ्री इंटू टी के पावर 3/2, देखिए मेरा तो ऐसा आ रहा है, ऐसे ही तक करना है ना, तो 3 × 3/2 करेंगे, 3/2 तो इधर आ जाएगा और टी के पावर में n × n × x^n-1 ये करना है हमें, तो यहाँ पर पता नहीं 3/2 को 2/3 करके, 2/3 करके ऐसा 3/3 कट कर दिया। आप लोगों का ये 2 2 × √2 t आ रहा है या फिर 9/2 × √t आ रहा है, कमेंट में बताइए ठीक है ना। उसके बाद देखिए E20, यूजिंग थ्योरम फॉर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, ऑल्सो डिफरेंशिएट ऑल्सो फंक्शन फंक्शन दिस फंक्शन विदाउट यूजिंग थ्योरम फॉर एंड कंपेयर द रिजल्ट। तो थ्योरम फोर यूज करके पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, तो कैसे करेंगे, तो एक्स इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट एक्स मतलब एक्स इंटू हाफ इंटू 1/√x एंड प्लस आ जाएगा रूट एक्स इंटू 1 तो मतलब रूट एक्स ठीक है ना। तो ये आ गया इसका आंसर, तो रूट एक्स कैंसिल करेंगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट एक्स, मतलब इसे करेंगे तो ये हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 × √x। तो इसको अगर हम यहाँ पर थ्योरियम 4 यूज करके ना करें तो यहाँ पर एक्स पावर क्या आ जाएगा 1 एन प्लस हाफ तो 3/2 आ जाएगा है ना, 3/2, तो इसको डी डी एक्स सब करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3/2 × x^2 देखिए मतलब रूट एक्स, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है। उसके बाद इसको देखिए इसे करेंगे तो 2 × x^5 प्लस 2 × x³ प्लस 5 इंटू इसे कर लेंगे डेरिवेटिव। उसके बाद देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5 × x^4 प्लस 6 × x² ठीक है ना, तो यही आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसे हम एक्सप्लेन करके करेंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज्यादा आ जाएगा है ना, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करने के लिए बैठेंगे तो हाँ इसे इस तरीके से कर सकते हैं, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना, तो एक्स प्लस 5 x³ x^5 प्लस 2 x³ प्लस 5² दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये E20 है, तो x^5 प्लस 2 x³ प्लस 5 इंटू x^5 प्लस 2 x³ प्लस 5 ठीक है ना। तो अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम क्रिएट कर दूंगी, एक ग्रुप क्रिएट मतलब एक चैनल क्रिएट किया हुआ है पर वहाँ पर कोई चैनल में शायद नहीं है, तो आप लोग उस चैनल में जा सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका PDF चाहिए, तो इसका PDF मैं सेंड कर दूंगी ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये यू हो जाएगा ये भी, तो x^5 प्लस 2 x³ प्लस 5 इंटू यहाँ पर 5 x^4 प्लस 6 x² ये आ जाएगा एंड प्लस करेंगे तो सेम आ जाएगा है ना, x^5 इंटू 5 x^4 प्लस 6 x² तो ये 2 × आ जाएगा ना पूरा, 2 × x^5 प्लस 2 x³ प्लस 5 इंटू 5 x^4 प्लस 6 x², देखिए दोनों इक्वल है। उसके बाद E21, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड इट इज नोन दैट जी ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 एंड g'3 इक्वल्स टू 5, फाइंड f'3। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है ना एंड g'3 इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है,
तो हमें एफ डैश थ्री निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, E21। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू जी डैश एक्स, है ना। उसके बाद एक्स इक्वल्स टू हम थ्री पुट कर देंगे यहाँ पर, जी ऑफ थ्री इक्वल्स टू टू, टू है मतलब एफ डैश थ्री, एफ डैश थ्री इक्वल्स टू जी ऑफ थ्री प्लस थ्री इंटू जी डैश थ्री, तो जी ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है यहाँ पर टू, जी डैश थ्री की फाइव, तो टू प्लस थ्री इंटू फाइव, तो टू प्लस 15 इक्वल्स टू 17, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम थ्योरियम 5 से देखेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ही खत्म कर रही हूँ। उसके बाद हम थ्योरियम 5 से दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।